अब देखो माध्यक का फॉर्मूला ये हुआ जो लिखा हुआ है एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। अब आपको कुछ डिजिट दिया रहेगा जैसे 0, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 पांचे छो रहने तो 0, 1, 2, 3, 5 अब कहेगा कि इसका माध्यक ज्ञात करो। तो क्या करना है पहले इसको क्या करना है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो अभी ये देखो क्या आरोही क्रम में है इसको सजाना नहीं है लेकिन अगर यहीं पे ये पहले दे दें और ये बाद में देंगे तब तो सजाना होगा। तो सजाने के लिए क्या करेंगे इसको 0, 1, 2, 3, 5 सज गया आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सज गया। आप देखेंगे कि ये सम में है कि विषम में यानी कि इसकी संख्या जो है सम में है कि विषम में तो 1, 2, 3, 4, 5 विषम में एन बराबर क्या लिखेंगे 5 कितना हो गया 5। चलिए अब देख रहे हैं कि ये क्या है विषम संख्या में तो विषम के लिए जब माध्यक निकालते हैं विषम डिजिट के लिए नंबर ऑफ डिजिट एन प्लस 1/2। अब देखो एन कितना है 5। अब देखो कितना निकला 3। इधर से देखेंगे 1, 2, 3 तीसरा नंबर पर कौन संख्या है 2 यानी कि 0, 1, 0, 2, 1, 3, 5 का जो है माध्यक कितना निकल जाएगा 2। जब सर एगो नंबर और दे देगा तब माध्यक क्या निकलेगा 6 चलेगा। अब ये तो हो गया विषम के लिए हो गया। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं सेकेंड एग्जांपल में देखो अब देखो यहाँ पर कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 6 सम में है। अब क्या करेंगे अब कहेगा इसका माध्यक निकालने के लिए तो अब जो हम करेंगे तो पहले फिर वही करेंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कोई क्रम में सजाएंगे इसको 1, 2, 3, 5, 6, 8 एन की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखो दो ठो इधर से लेंगे दो ठो इधर से लेंगे तो बीच में ये दो संख्या आ रहा है नहीं आ रहा है 3 और 5 दो संख्या इससे पता लग रहा है कि माध्यक निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए फॉर्मूला जो होता है एन बटे टू प्लस एन बटे टू प्लस 1/2 इस फॉर्मूला पर अगर हम बैठाएंगे यानी कि ये यानी कि पद हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पद को दर्शाएगा पद में जो डिजिट आएगा अब देखो एन बटे टू कितना निकलेगा 6/2 तो 3 एन प्लस 1/2 एन बाय टू और प्लस 1 ये करना है तो 6/2 और प्लस 1 3 + 1 = 4 यानी कि ये पद हो गया तीसरावा पद ये चौथवा पद। अब देखो तीसरा में कौन है 1, 2, 3 है और चौथा में कौन है 5 है इसका माध्यक जो अब ज्ञात करना है तीसरा पद 3 चौथा पद 5 बटे 2 तो 5 × 3 = 8 बटे 2 = 4। अब देखो ये 4 जो है इस दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 3 ठो इधर भी हो रहा है 3 ठो उधर भी हो रहा है पिछला पोजिशन में ये 4 आ गया तो यही इसका माध्यक हुआ। क्लियर। यदि
अंकों की संख्या सम, नोट डाउन करो, सम रिंग, तब माध्यक बराबर अब देखो ये तो सम के लिए था, अब जब विषम रहेगा तब अब देखो यदि अंकों की संख्या विषम रहे तो क्या करना है, माध्यक बराबर n प्लस वन बाय टू पद हो गया, तो पद में फिर देखना है, पद जो होता है टर्म कहा जाता है इसको, पद में फिर देखना है कि ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इसको टर्म बोला जाता है, पद को टर्म। तो तीसरा पद अब देखो क्या तो है, एक दो तीन चार पांच, एन बराबर कितना हो गया पांच, पद इसको क्या करेंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, एन में क्या करेंगे एक को जोड़ेंगे दो से भाग देंगे तो टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ देखा तो पांच एक छ, छ बटे दो तीन, तो यानी कि टर्म जो है कौन सा हुआ तीन, तो तीसरा में कौन सा अंक है एक दो तीन, तीन है, तो यही हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर वन, ये दिया हुआ आपको सवाल, और अब इसमें से आपको फाइंड क्या करना है, माध्यक, माध्य और बोलो, तीनों चीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले माध्यक एक्सरसाइज में घुसे, पहले माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ, सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये होता है माध्यक बराबर। तो इसमें पता भी नहीं चल रहा अभी कि एन किसको मानेंगे, सी एफ किसको मानेंगे, क्योंकि एल एच तो मालूम है पहले वाला से, माध्यक गोलक से, एन जो होगा ये एफ आई होगा, यानी कि एफ होगा, एन बराबर क्या होता है एफ होता है, और इसके बराबर इसको जोड़ेंगे तो अड़सठ होगा। इसको सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है, सिग्मा एफ। अब देखो सी एफ हमको ज्ञात करना है, सी एफ कैसे ज्ञात होता है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट ए लिखना है, जैसे है चार है तो चार ही लिखना है, अब जो सेकेंड लिखेंगे इससे इनको जोड़ेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, तो पांच चार, फिर इसको यहाँ से जोड़ेंगे और फिर इसको यहाँ लिखेंगे, तो तेरह नौ कितना हो जाएगा बाईस, फिर इसको इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर इसको इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर इसको इसे जोड़ेंगे कितना होगा, अब फिर इसको इसे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ एक कंडीशन है, संचयी वारंवारता जब भी आप लोग निकालिए तो ये एफ वाला को आप जब जोड़िएगा जितना होगा तो संचयी वारंवारता का जो लास्ट टर्म होगा वही होगा, ये इसका खूबी है, अगर नहीं हुआ वो तो समझ लीजिए आपने जो निकाला वो गलती है, कहीं कहीं जोर में मिस है, जितना ये होगा जोर करके उतना ही इसका लास्ट टर्म आएगा, क्लियर। अब आप एन तो समझ गए कहाँ से निकलेगा, अब सी एफ समझ में नहीं आ रहा है, तो सी एफ में क्या करेंगे, एन कितना निकला अड़सठ निकला, तो सी एफ के लिए क्या करेंगे, सी एफ बराबर एन बटे टू करेंगे, कितना हुआ अड़सठ बाय टू, तो कितना हुआ चौतीस। अब देखो चौतीस जो है इसके आसपास इससे जस्ट बड़ा, अब जस्ट बड़ा में तो अड़सठ ही बड़ा है, चौसठ ही बड़ा है, छप्पन बयालीस सब बड़ा है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा क्या है,
42 ये 42 है तो हमारा जो है ये यहाँ से यहाँ तक माध्यक के काम में आएगा, माध्यक के काम में आएगा। तो सीएफ में कल हमने लिखाया था कि माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता जो उसके जस्ट ऊपर वाला लेना है सीएफ में, यानी कि ये लेना है इसके जस्ट ऊपर में आएगा जो, क्लियर। सीएफ कहाँ से लेना है पहले ये देखना है कि इसके जस्ट वाला कौन है, तो ये है जो आएगा इससे थोड़ा सा ऊपर। अब थोड़ा सा ऊपर में ये सब है इसको नहीं, थोड़ा सा ऊपर मतलब क्या, इसके जस्ट बाद, तो 42 आ रहा है क्योंकि 22 तो छोटा है, इधर तो छोटा सब है, तो 42 जस्ट में है, तो इसको लेना है इसके जस्ट ऊपर वाला जो है सीएफ का काम करेगा, क्लियर। एल बराबर तो जानते ही, अब एल जो है इसी के लेंगे ये लोअर लिमिट को, निम्न सीमा को, एल बराबर जो हो जाएगा इसी का निम्न सीमा, क्लियर। और कोई प्रॉब्लम है? अब तो सब कुछ निकल गया, एच तो अपर लिमिट में ना लोअर लिमिट, एच भी क्लियर। चलिए अब सबको एक तरह से सजाते हैं, एन बराबर 68 तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 68/2 तो 34, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो यानी कि अब इसको हम सी एफ में एफ कर देते हैं, ये आपका कैपिटल एफ हो जाएगा, ये आपका स्मॉल एफ हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ सी एफ बराबर अगर हम ये लिख देते हैं तो फिर आप लोग कहिएगा तब उसके ऊपर वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी से लेना है, तो इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 22। यहां तक दिक्कत नहीं है, ये कैपिटल एफ है, या यहाँ एफ आई कर देते हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये जो है एफ आई का मान है, अब दिक्कत भी है, चलिए दिक्कत नहीं। एफ जो लेना है एफ आई जो है यही लेना है, यही 20। इसको जो हम कॉलम के अब जो भी क्रिया होगा इसी से उठा करके करेंगे, एफ आई का मान यही 20 होगा वहां पर। अब एल बराबर तो इसी का लोअर लिमिट कितना है 125। एच एच में देखो कहीं से घटाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 85 में से 65 को घटाएगा कितना होगा 20। राइट, एच बराबर 20। अब सबको इन फॉर्मूला पर पुट करो, अब सबका मान चढ़ाओ, देखो एल का मान क्या है 125 प्लस एन बाय टू, एन का मान कितना निकला 68 बाय टू माइनस सी एफ, सी एफ कितना निकला, सी एफ अर्थात कैपिटल एफ 22, एफ आई 20, एच अब देखो यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, तो दोनों क्या हो गया, यहाँ देखो क्या हुआ, हुआ कुछ की नहीं हुआ, 125 प्लस 34 माइनस 22, 125 यहाँ से लेस करो 2 1 इसमें जोड़ दो, ये आपका माध्यक निकल चुका है। जैसे ये आपको सवाल दे दिया था इतना ठो और बोला कि तीनों चीज निकालिए, तब क्या करेंगे, बार बार से तो नहीं कहीं इसको लिखेंगे अंतराल को, एक बार में कैसे निकालेंगे उसको देखना ना। अब देखो एक बार में ही बहुलक भी निकलेगा, माध्यक भी निकलेगा और माध भी निकलेगा, कैसे, तो यहाँ तक जो आपको दिया था इसको छाप लीजिए, जस्ट का तस उतार दीजिए, उसके बाद आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आप एक्स आई निकाल लीजिए, यानी कि वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, क्लियर, ये निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है कि यू आई का जो भी माध्य निकालने का तीन नियम दिए थे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और उसके बाद पग विचलन विधि दिए थे, तो तीनों में से अब देखो
मार्ग जो है सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए। अच्छा, सेकेंड में कल्पित निकालने के लिए एफ आई डी आई चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं? चलिए वो चाहिए। थर्ड वाला जो पग विचलन विधि, उसमें हमको चाहिए एफ आई यू आई, और कुछ नहीं देखना, एफ आई यू आई ये चाहिए हमको, क्योंकि एस शब्द तो तुरंत हो जाएगा, एफ आई यू आई चाहिए। तो आपको जिससे निकालना है उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे, पग विचलन से तो यू आई, कल्पित से तो डी आई, और उसके बाद अगर प्रत्यक्ष से तो सिर्फ एफ आई एक्स आई, एक्स आई हो गया, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट कीजिए। तो आपको किससे निकालना है, आपने बोला पग विचलन से, तो यू आई, यू आई बराबर हम जानते हैं कि एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है, तो यू आई का मान निकल चुका। अब क्या करना है, क्योंकि पग विचलन में जो है एफ आई यू आई चाहिए, तो यहां भी एफ आई यू आई का मान निकालना होगा। तो कितना का इसमें डिफरेंस आ रहा है, 20 का, तो 20 आप सब में कर दो, यहाँ करेगा 20 तो कितना होगा, फिर 115 हो जाएगा, 115, फिर इसमें 135, फिर इसमें 155, फिर इसमें 175, फिर इसमें 95। अब जोड़ के देख लो क्या ये सही है या नहीं है। देखो 130 और 100, 230, और 230 का आधा कितना हो गया, 115। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इधर मसा पक्षी नहीं करना है, दो ठोकर निकालो, एवरेज देख लो कितना हो रहा, एवरेज उसको भी नहीं देखना है, तो यहाँ सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, कितना का एवरेज आ रहा, 20 का। तो यहाँ भी 20 का आएगा, यहाँ 10 का आ रहा है तो यहाँ भी 10 का आएगा, 5 का आ रहा है तो यहाँ भी 5 का आएगा। एक को करो, बाकी बात तुरंत निकालो। अब यू आई, अब ए, फिर यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो दिक्कतें नहीं है, 7 ठो है तो डायरेक्ट 3 ठो इधर छोड़ेंगे और 3 ठो इधर छोड़ेंगे और बिचला को ले लेंगे, यानी कि ए बराबर जो हो जाएगा, यहाँ मान लेना है लेट ए इक्वल टू 135, दिक्कत भी होगा ना। चलिए अब पहले क्या करना है, इसका मान रखना है, फिर इसको मान, इसका मान रखना है, तब लेस करना है, क्योंकि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 75, माइनस ए 135 बटे एच, एच कितना है 20 नहीं है। चलिए अब घटा दीजिए दोनों, क्या है तो माइनस 3, उसी तरह यहाँ पर माइनस 2, माइनस ए 0 कत भी है। अब जब ये निकल चुका है तो अब तो ये तुरंत निकलेगा, इससे इससे, अब देखो चढ़तिया 12 कितना निकल गया, माइनस 12, 5 दुनी 13 गुना 1 16, 4 गुना 3 12, और दिक्कत है। अब देखो इतना अगर कर लिया, सिर्फ इतना, तो आप माध भी बना लीजिएगा, बहुलक भी बना लीजिएगा, माध्यक भी बना लीजिएगा। अब इस पर सिग्मा एफ आई यू आई जोड़, तो यहां से यहां तक जोड़ो, फिर यहां से यहां तक जोड़ो, अब जोड़ो यहां 3 2 5, और उसके बाद 1 2 3 कितना हो गया, माइनस 35, यहां से यहां जोड़ो 6 4 10 2 12, 3 1 4, यानी कि प्लस 42 माइनस 35 बराबर 7, यानी कि एफ आई यू आई का मान कितना निकला, 7। देखो 7 निकल चुका। पग विचलन में क्या जानते हो, पग विचलन में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू बटे सिग्मा एफ आई गुना एच। तो एच कैसे निकालना है पते है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सबका मान पुट करो, तुरंत निकला कि नहीं निकला, और भी दिक्कत है। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक में देखो सबसे ज्यादा कौन है, 20 है, तो रिपीट हुआ कितना बार, यानी कि 125 टू 145 बार,
में जो भी संख्या है अंक है वो कितना बार रिपीट हुआ? 20 बार। तो ये मेरा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। एफ वन का मान क्या निकल चुका? 20। अब एफ ओ तो इससे जस्ट ऊपर 13। एफ टू तो इससे जस्ट नीचे 14। एल तो जानबे करता है, इसी का लोअर लिमिट। एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलक भी क्लियर। इसमें और कहीं भी दिक्कत भी है आप लोगों को? अगर दिक्कत है तो बोलो। तुमको दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो पहले वाला वीडियो देखो।